हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उल्लू शुक्ला। आज तक मैंने आपके सामने सभी एजुकेशनल कंटेंट ही रखे, जिसमें मेरा पहला सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज का, जो कि 11th और 12th में किसी भी सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड में अगर बंदा कॉमर्स लेता है तो उसे पढ़ाया जाता है। लेकिन आज मेरा ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो जिनका एक ही प्रॉब्लम है कि हम कैसे और क्या प्रेजेंट कर दें कि हमारे नंबर अच्छे उठ जाए। तो खैर, मैं भी इसी फेज से निकला हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे भी पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है कि जिसकी मदद से आपका रिजल्ट और बेटर बन सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैंने आपके जो प्री बोर्ड के एग्जाम से, जो कि 1 दिसंबर में हुआ और 1 जनवरी में हुआ, मैंने उसके रिजल्ट देखे, मैंने उसका क्वेश्चन पैटर्न देखा और आपके लिखने का तरीका देखा, तो उसमें मुझे कई सारे डिफेक्ट्स दिखाई दिए। आज उन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में बात करूंगा और आपके सामने वो एक सैंपल पेपर भी रखूंगा जो मुझे मिला है। और सबसे बड़ी चीज, आपको जो क्वेश्चन आंसर के लिए जो आंसर शीट मिलती है वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल होती है, जो मैंने देखी भी है। और दूसरी चीज, आपकी इसमें कुछ गलतियां मैंने पकड़ी हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वो पेपर रखना चाहूंगा जो कि मुझे मिला है मेरे स्टूडेंट से। और ये रहा वो क्वेश्चन पेपर, आप ध्यान से और आराम से इसको देख भी सकते हैं। और मैंने यही क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने देखा कि इसमें पूरा क्वेश्चन जो है केस स्टडी बेस आया था, और केस स्टडी होने की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पूरा कॉन्सेप्ट याद था, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये हुई कि वो कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली किस केस स्टडी में क्या करना है। तो मैं यही आज आपको सिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है कि आप अच्छा स्कोर कर पाए और दूसरा आप अपना बेस्ट दे पाए इसमें। तो आज के क्वेश्चन पेपर बहुत आसानी से देख सकते हैं जो मेरे हाथ में है, और पहले मैं क्वेश्चन पेपर आपको पूरा दिखा दूंगा, फिर इसके सामने आपका सोल्यूशन रखूंगा कि इसको एग्जैक्टली करना कैसे है और कितने लिमिट्स में आपको करना है और क्या लिखना है कि जिससे आपका नंबर अच्छा उठे और आपकी स्कोरिंग भी बढ़िया हो। तो आइए इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी आंसर बुक का जो पहला पेज होता है वो होता है कवर पेज, जिसपे आप अपनी डिटेल लिखते हैं, जिसमें रोल नंबर है, सेंटर नंबर है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इसको लिखने के बाद जब आप इसको पलटते हैं तो कॉपी के दोनों साइड पर, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपको लिखने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग मान लीजिए कोई भी पहला क्वेश्चन जो भी उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 या जो भी जो आपको बेस्ट आता हो, आप लोग उसको लिख के खत्म करते हैं। तो मैंने ऐसा देखा कि लोग अगर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है लिखते हुए, मान लीजिए आपने सेकंड लिखते हुए यहाँ आंसर वर्ड लिखा था और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप लगाने के बाद आप एक गलती ये करते हैं कि आप अगला क्वेश्चन यहीं से शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैंने अक्सर ही कॉपीज में देखा है, मतलब प्री बोर्ड की कॉपी में, क्योंकि प्री बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअली एक प्रैक्टिस सेशन होता है आपके लिए कि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में भी आएंगे। तो केस स्टडी मैंने देखा, केस स्टडी तो खैर अच्छी थी, एवरेज थी, क्योंकि मेरे में भी केस स्टडी आते हैं, मैं भी सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो केस स्टडी आई थी लेकिन काफी अच्छी आई थी, ऐसा मैंने एकदम टफेस्ट आ गई। लेकिन हाँ वही है कि भाई जिनका पहली बार, कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट जिन्होंने 10th तक तो मैथ्स पढ़ी लेकिन उसके बाद वो कॉमर्स में आ गए, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन जो शुरुआत से ही, क्योंकि 9th 10th में भी कॉमर्स पढ़ाई जाती है थोड़ी बहुत, हल्की फुल्की उसको टच दिया जाता है, तो मैं यही कहूंगा कि आप जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, मतलब जो भी सेकेंड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो उसका सही नंबर कुछ भी हो, आप उसको सेम पेज से ना शुरू कीजिए, उसको नेक्स्ट पेज से ले जाइए। यानी अगर यहां पर क्वेश्चन खत्म हुआ तो आप अगले पेज को पकड़िए और वहां से लिखना शुरू कर दीजिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 डालिए और फिर यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। और एक गलती मैंने आप लोग की और देखी कि आप लोग क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आंसर ही लिखना है तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर डालते भी है हेडिंग में तो आप लोग साइड में डाल देते हो, साइड हेडिंग मत डालिए, साइड हेडिंग से एग्जामिनर कैच नहीं कर पाता ठीक से, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता,
कि वो चीज ध्यान दे कि आपने क्वेश्चन टू कहाँ अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन थ्री कहाँ अटेम्प्ट किया। तो इसलिए आपके फायदे के लिए एक ही चीज आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चन का सीरियल नंबर, आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, उसको बीचों बीच डालिए। बीचों बीच रखेंगे तो एग्जामिनर के लिए इजी हो जाएगा आपके आंसर्स को देखना, मतलब कौन सा आंसर आपने लिखा है एग्जैक्टली, वो चीज के लिए आसान हो जाएगी। और रही बात लाइव वाली कॉपियों की, वो तो आपके लिए बेस्ट है कि आपको राइटिंग सेट नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम दीजिए या किसी और यूनिवर्सिटी के एग्जाम दीजिए तो वहां पे ये लाइन कॉपियां नहीं मिलती हैं आपको, प्लेन होती हैं, और ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं होती, वर्टिकल होती हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना बुक फॉर्म है, तो जो कॉपियां मिलती है वो बुक फॉर्म में मिलती हैं, लेकिन आपको जो कॉपियां मिलती हैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को वो ड्रॉइंग बुक फॉर्म में होती है। ठीक, तो यही एक चीज मैंने देखा कि ये गलतियां आप लोग हमेशा, मतलब हमेशा नहीं होगा, जिनको नहीं पता है वो अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जिन्हें मालूम है उनकी कॉपी मैंने देखी कि उन्होंने बीचों बीच आंसर की हेडिंग डाली थी, और दूसरी बात क्वेश्चन भी उन्होंने नेक्स्ट पेज से शुरू किया। ऐसा नहीं कि आपको बी कॉपी नहीं दी जाएगी, दी जाएगी, अगर आपके पास अभी भी क्वेश्चन बचे हैं और आप लिखना है, मतलब क्वेश्चन तो पूरा ही करना। और हाँ सबसे बड़ी चीज, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा दोस्तों, चाहे जो हो जाए, आपको ठीक से नहीं आता कोई बात नहीं, उसको सबसे लास्ट में कीजिए, जो सबसे पहले और जो सबसे बेस्ट आता हो उसको पहले करिए, उसके बाद जो सबसे कम आता हो या जो सबसे लीस्ट आता हो उसको सबसे बाद में करिए, लेकिन छोड़ के मत आइएगा। मेरे दो तीन स्टूडेंट्स ने यही किया, मतलब प्री बोर्ड में उन्होंने यही काम किया है कि 80 नंबर का आप लोग का प्री बोर्ड था, इस 80 नंबर में से उन बच्चों ने किया गया हार्डली 60+ नंबर्स का क्वेश्चन किया, और बाकी 14 या 15 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भैया? नहीं आ रहा था, टफ लग रहा था। अरे कुछ तो कर देते भैया, ना होता तो एक दो नंबर, मान लो 5 नंबर का भी क्वेश्चन था, आपने कुछ भी लिख, कुछ भी मतलब से, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही लिखिए, लेकिन कोशिश करिए कि वहां वो क्वेश्चन छोटे ना पाए। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं लिखने के लिए, उसमें आप इस पूरी कॉपी को मतलब इतना जान लीजिए कि अगर आपको अच्छे नंबर उठाने हैं तो आपको प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रखना होगा। प्रेजेंटेशन की मैंने बात की है तो यहाँ प्रेजेंटेशन को मैं प्राइम फोकस देना चाहूंगा, जिसमें पहली चीज है कि आपको 2 कलर की पेन यूज करने की परमिशन होती है, एक ब्लैक और एक ब्लू, यानी ये दोनों पेन आप यूज कर सकते हो। ठीक, लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग दिखाई दे, तो उसका भी एक सोल्यूशन है, आपके पास अगर ब्लैक पेन नहीं है तो आप स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ रेड पेन मत यूज कीजिएगा। आप में से कुछ लोग रेड पेन का भी इस्तेमाल कर देते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लेकिन वो आपके अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि रेड पेन हमेशा एग्जामिनर के लिए यूज होती है। तो मेन चीज है कि आपको अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट दिखाना है, अच्छा दिखाना है, तो जो मैं तरीके बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे उठेंगे, ये मैं पूरा आपको मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस देता हूँ। और रही बात कि कंटेंट याद कैसे रहे, हम उसको वहां पे कैसे सप्लाई कर पाए, हमारे जो ब्रेन कम हार्ड डिस्क जिसे हम लोग कहते हैं, मैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत हाथी में, तो हमारे दिमाग में चीजें सेट रहे हमेशा, उसका भी हमें ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, आप टेंशन फ्री रहिए। मैंने तो मेरे दो तीन स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं मेरे मोहल्ले में, वो हमेशा लगभग टेंशन में ही रहते हैं, उनका ये कहना है भैया कि नींद नहीं आती ठीक से और पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, इतना प्रेशर हो गया है, 20 दिन बचे हैं। 20 दिन आपके लिए बहुत है, 20 दिन में अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए तो आप एक बहुत अच्छा पेपर कर ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि हम उस जितने भी मतलब जो मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, मैंने उसमें उन लोगों को एडवाइस किया, मैं कहा देखो भाई सबसे बड़ी चीज है कि आपको अगर अच्छे स्कोर करने हैं तो आपने जितना भी चैप्टर कंटेंट है उनका एक शॉर्ट में नोट बना लीजिए, और उसको अगर घर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो जगह जगह दीवारों पर सेलो टेप से उसको चिपका दीजिए, और आते जाते रूम में, जैसे अब हर समय तो कोई बंदा पढ़ता नहीं है, 24 घंटे आप पढ़ भी नहीं सकते, ये फैक्ट है। तो मेन चीज है कि आप अगर दिक्कत हो रही कि बार बार बुक खोलनी पड़ रही है, पता चला चैप्टर नंबर 5 आपका पेज नंबर 68 पे है, तब पता चला पूरी बुक पढ़ लो, तो बुक पढ़ने से अच्छा उसकी जितने भी कंटेंट है उनको आप दीवार पे सेलो टेप की मदद से एक पेपर पे शॉर्ट में सिर्फ हेडिंग लिख करके चिपका दीजिए। लेकिन हाँ
घर में ढाई ना पड़े तभी कीजिएगा ऐसा, न पहले बैलेंस से डाटा रहा पड़ गई। तो मेन चीज वही है कि आपको ये करना है और फिर बस रूम में आइए किसी काम के लिए, एक नजर देख लीजिए कि हाँ अच्छा इसका ये पॉइंट ये है, ठीक ये पूरा याद हो गया। तो अगर आप एक नजर देख भी लेंगे दिन भर में सारे पॉइंट्स को, तो आपको वो आराम से याद रहेगा। हाँ ये चीज है कि अब आप ये कहेंगे कि अगर सिर्फ पॉइंट्स ही याद कर लिए तो अंदर का मैटर कैसे, तो भाई अंदर का मैटर पढ़ो, लेकिन अगर पॉइंट भी समझ में आ गया ना तो अंदर का मैटर बड़े आराम से आप लिख ले जाएंगे। ये मैं भी करता था और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे 90% इंटरव्यू बने थे बड़े आराम से, 90-92% समथिंग बना था मेरा। उससे मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। और मैं करता क्या था, मुझे भी ऐसी कॉपीज मिली थी, तो मैंने हमेशा जो मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में बताया कि क्वेश्चन कभी भी सेम पेज से शुरू मत कीजिए, इवन अगर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ भी खत्म होता है यानी टॉप पर भी, तो भी आप ये पेज पूरा छोड़ दीजिए, मत लिखिए उस पर। हो सकता है आपको बाद में कुछ और याद आ जाए, आप उसको और बढ़ाना चाहें अपना आंसर, तो आप एटलीस्ट वहां बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ इस रीजन से मैं छोड़ने का नहीं कह रहा, मेन रीजन ये है कि वो आपको प्रेजेंटेशन खराब कर देता है। और हाँ प्रेजेंटेशन की मेन चीज और आती है कि आपने अगर क्वेश्चन मान लीजिए कुछ भी ऐसे लिखा है, मान लीजिए प्लानिंग ही लिखा हुआ कि प्लानिंग क्या होती है, तो प्लानिंग आपने यहां से डिफाइन किया। प्लानिंग लिखने के बाद जब आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, हाथ से मत खींचेगा लाइन। तो स्केल का जब इस्तेमाल करेंगे तो यहां से यहां तक पूरी लाइन ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक। या अगर अंडरलाइन करने आपको लगता है कि डबल टाइम जाएगा, तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि ब्लू पेन से जब आप आंसर लिख रहे हो तो जो आपको टेक्निकल लाइन या टेक्निकल वर्ड दिखे उसको आप ब्लैक स्केच से तुरंत लिख डालिए, या फिर ब्लैक पेन का यूज कर लीजिए। लेकिन ब्लैक स्केच ज्यादा चलो थोड़ा हाईलाइट कर देगा, लेकिन आप ब्लैक स्केच पे ऐसा रखिएगा तो फैले ना, क्योंकि मार्केट में कई तरह के स्केच मिलते हैं। एक स्केच होता है जो जैसे उसकी टिप आपके कॉपी में पड़ती है वो फैल जाता है, आपको उस स्केच से दूर रहना है, बचना है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि आपका अगर वो फैल गया तो आपके पीछे वाले साइड यानी बैक साइड पे भी पेज के वो दिखने लगेगा और फिर वो आपका प्रेजेंटेशन खराब कर देगा। तो जब तक एग्जाम चलेगा आप ब्लैक स्केच और ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, ये तीनों अपने साथ लेके जाइए अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड। तो आइए इस पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए अब अभी जैसे हम सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो हमारे पास 20 दिन का ही समय बचा हुआ है। इस 20 दिन में हमें अपना बेस्ट तैयार करना है, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है बिना किसी टेंशन के। तो पहली चीज ये कहूंगा कि सबसे पहले आप जितना भी कंटेंट है उसको जब पढ़ते रहते हैं उसको एक कॉपी पे फ्लो चार्ट आप लोग जानते होंगे शायद, रुकिए मैं बताता हूँ फ्लो चार्ट क्या होता है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से ये दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको इजी बना सकते हैं अपने खुद के रिवीजन के लिए, क्योंकि 20 दिन में आप पूरी किताब तो नहीं पढ़ ली जा सकती, कर भी सकते हैं लेकिन टाइम काफी लगेगा जिसमें आपका टेंशन और बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है और सब कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका फ्लो चार्ट, एक्चुअली अभी तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है जिसको समझाने के लिए। मैं मान लेता हूँ आपको प्लानिंग का एक क्वेश्चन मिल जाता है कि प्लानिंग क्या है, व्हाट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग की डेफिनेशन अगर याद है तो सबसे पहली चीज करिए, याद रखिए प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट व्हेन वेयर होम एंड एटसेट्रा। यानी आपको कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लानिंग के जो मतलब प्लानिंग की जो डेफिनेशन है उसके सिर्फ टेक्निकल टर्म्स याद कर लीजिए और उसको इस फ्लो चार्ट पर रख दीजिए, आपको बहुत आसानी से चीजें याद होंगी। और हाँ कुछ अगर कोशिश कीजिएगा 3 घंटे वगैरह इतना टाइम आप मैनेज कर पाए तो इस फ्लो चार्ट को उस कॉपी में भी बना दीजिए। डेफिनेटली कह रहा हूँ एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा देख करके कि उसको पूरी कॉपी नहीं पढ़नी पड़ी, सिर्फ फ्लो चार्ट आपको देखेगा और समझ जाएगा कि आपको बहुत कुछ आता है, ठीक। अब बात करते हैं किसी भी टॉपिक के सब टॉपिक्स की। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि व्हाट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स,
तो कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लानिंग के कई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारे हैं। परवेसिव होती है, हर लेवल पे प्लानिंग होती है। मतलब प्लानिंग इज परवेसिव, मेंटल प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ प्लान एट ऑल द लेवल्स एटसेट्रा। तो जब आपको ये सारी चीजें करनी है, तो मेन चीज है आप सिर्फ पॉइंट डालिए स्केच से या ब्लैक पेन से, कुछ भी हो, लेकिन अगर कैसे डालेंगे तो थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा। तो मान लीजिए प्लानिंग आपने मान लीजिए लिखा है परवेसिव प्रोसेस आपने लिख दिया, इसको लिखिए। और सबसे पहले अगर 5 नंबर में आता है या लॉन्ग में आता है, तो पहले पॉइंट्स बना बना करके कुछ गैप्स पे लिख लीजिए। जैसे एक पॉइंट यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिख दीजिए, तीसरा यहाँ लिख दीजिए, चौथा यहाँ लिख दीजिए। ठीक, तो ऐसे जब आप पॉइंट्स लिखते जाएंगे तो वहां पे आपको थोड़ी गैप, बस। अब जैसे पॉइंट लिखा होगा परवेसिव, और हाँ, इसमें आपको थोड़ा वर्ड पावर भी अच्छा बनाना होगा, क्योंकि तो जब आप ऐसे हेडिंग्स लिख के छोड़ेंगे तो आपको याद भी रहना चाहिए कि एग्जैक्टली परवेसिव मतलब होता क्या है। परवेसिव वर्ड का मतलब है जो कि एक तरीके से हर जगह अप्लाइड हो, हर जगह यूज हो, तो ऐसे ही आपको बना करके लिख देना है। ठीक, हाँ, लेकिन उसके अंदर कंटेंट कुछ इमटेरियल नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा मत लिख दीजिएगा कि अगर, क्योंकि ऐसा है नहीं है कि कॉपी नहीं पढ़ी जाती, पढ़ी जाती है, लेकिन हाँ इतना सारा बंच होता है कॉपियों का कि कभी कभी कॉपी नहीं पड़ी जाती। तो 50-50 चांसेस है, क्या एक रिस्क लिया जा सकता है कि हम ऐसे लिख करके उसमें स्टे करके छोड़ दें। तो अगर एग्जामिनर आपकी सिर्फ हेडिंग्स देखेगा और देखेगा अगर हेडिंग्स एकदम सही है, उसके अंदर नहीं पढ़ेगा, बस हेडिंग देखा, उसने देखा सही है, राइट टिक लगाया और आपको नंबर अवार्ड करके चल गया। ठीक, तो मेरे उन सभी दोस्तों से एक एडवाइस भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज क्वेश्चन मत छोड़िएगा, नहीं आता ठीक से कोई बात नहीं, आप उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। ठीक, क्योंकि तो स्टार्टिंग में अगर अच्छे क्वेश्चन आपने दिखा दिए तो उसका कैरी ओवर इफेक्ट, वर्ड इज कैरी ओवर इफेक्ट, ये आप इसका आपको फायदा मिल जाएगा। कैरी ओवर इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप शुरू करते हैं तो आप अपना सबसे सबसे बेस्ट आंसर होता है उसको पहले लिखते हैं, तो पहले आंसर अगर वो पढ़ेगा तो खुश हो जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका आगे भी ओके कर देगा। ठीक, तो आज के मैं इतना ही पूरा आपको समझा चुका हूँ और अच्छे से, और जो मैंने कहा है जैसा कहा है वैसा ही करिएगा, उसको फॉलो कीजिए, आई एम वेरी श्योर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आज मैं इतना, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे। अगर अभी भी कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे वीडियो के लास्ट में अपने डाउट्स और जो भी है आपके क्वेश्चन है उसको आप पुटअप कर सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्लियरेंसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।